सो ये है आउटफिट एंड हेयर आर द इयररिंग्स। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको आई क्यू पेंटिंग स्पार्कल्स पे वेलकम। आज मैं आपसे मोबाली आइलैंड का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको जगह पसंद आएगी और आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। सो ये जगह खानपुर डैम से थोड़ा सा आगे है, गंधारा होटल के पास। बिकॉज़ खानपुर डैम पे हम पहले गए हुए थे तो वो डिसाइडेड कि हम मोबाली आइलैंड जाते हैं। सो अब हम मोबाली आइलैंड पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एंट्रेंस पे आपको 500 टिकट देना होता है और उसमें आप सब कुछ इंजॉय कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम फूड टू बोटिंग और बाकी सब चीज़ें। सो ये है एंट्रेंस। दिस डॉग इज सो क्यूट। मोबाली आइलैंड का रास्ता भी बहुत खूबसूरत था और इसके रास्ते में भी बहुत खूबसूरत ग्रीन पहाड़ थे। वो एंट्रेंस पे यहाँ पे होटल्स हैं और इनमें इंडोर सिटिंग भी है और आउटडोर सिटिंग भी है। तो चलें अब हम आपको आइलैंड के थोड़े से सीन्स दिखाते हैं और आप इन्हें इंजॉय करें और फिर हम चलेंगे आइलैंड पे। ये आइलैंड बहुत खूबसूरत लग रहा है और जब सनसेट के सीन्स होते हैं तो ये और खूबसूरत लगता है। और मैं चाहती थी कि मैं इन डक्स के क्लोज़अप सीन्स लूँ लेकिन मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मैं इनके करीब नहीं जा सकी और जब मैं गई थी तो ये इस टाइम यहाँ पर मौजूद नहीं थी। सो अब है बोटिंग का टाइम। सो अब आप इंजॉय करें ऐसे कुछ क्लोज़अप सीन्स पानी के और बोटिंग के। तो अब हमने बोटिंग कर ली है और हमने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली थी। मैंने वीडियो शॉट नहीं की बिकॉज अंधेरा हो गया था, लेकिन अब मैं आपसे यहाँ पर क्लोज़अप सीन्स जो हैं इसके वो रिकॉर्ड कर रही हूँ एंडिंग करने के लिए। तो ये रात के सीन्स हैं होटल्स के, दे लुक सो ब्यूटीफुल इन नाइट। तो नाइट का सीन और दिन का सीन दोनों डिफरेंट हैं। सो आई होप कि आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप इस तरह के न्यू व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक इस तरह के नए व्लॉग्स पहुँचते रहें। थैंक यू, मैं आपको नई वीडियो में